प्यारे बच्चों, मैं आपकी अनीता मैम आज आपको सैर कराऊंगी खेल जगत की। आज और आने वाले आगे के कुछ समय तक मैं आपका परिचय कराऊंगी भारतीय खेल की दुनिया की कुछ महान हस्तियों से, जिनके जीवन का हर एक क्षण हमें ऊर्जा से भर देगा और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आइए बच्चों, जाने विश्व के महानतम हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। इन्होंने अपने खेल जीवन में 1000 से ज्यादा गोल दागे। जब ये मैदान में खेलने उतरते तो मानो इनकी हॉकी स्टिक से गेंद चिपक सी जाती और कई बार तो इनके प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों को ये शक होता कि इनकी हॉकी स्टिक में चुंबक या गोंद लगी हुई है। इसीलिए इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर के बाद अब हम सब जानेंगे अपने देश के उड़न परी श्रीमती पीटी उषा जी के बारे में। केरल राज्य के साधारण से परिवार में इस असाधारण प्रतिभा का जन्म हुआ। जब यह मात्र 4th कक्षा में थी तब जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में इन्होंने कक्षा 7 में पढ़ने वाली लड़की को हराकर कीर्तिमान स्थापित किया और फिर वहां से शुरुआत हुई हमारे देश के उड़न परी की यात्रा। इन्होंने सियोल और जकार्ता के एशियाई खेलों में भारत के लिए ढेर सारे पदक जीते। ओलंपिक खेलों के फाइनल तक पहुंचने वाली हमारी देश की ये प्रथम महिला थी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारे उड़न परी की यात्रा? आइए बच्चों, खेल की दुनिया में अपनी जानकारी को और बढ़ाएं और जानें अपने देश के मशहूर धावक श्री मिल्खा सिंह के बारे में। ये भारत के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। मिल्खा सिंह जी से युवाओं को बहुत प्रेरणा मिलती है। भारत के विभाजन के बाद की अफरा तफरी में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप को खो दिया। अंततः वह शरणार्थी बनके ट्रेन में पाकिस्तान से भारत आए। ऐसे भयानक बचपन के बाद उन्होंने अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की ठानी। लगातार प्रयासों और संघर्षों को जारी रखने के परिणाम स्वरूप 1958 में इन्होंने भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। तब से लेके आज तक यह मौका किसी और को नहीं मिला। बच्चों, इस पदक ने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दी और तभी से इन्हें फ्लाइंग सिख या उड़ता सिख के उपनाम से जाना जाता है। जो इनके जीवन के संघर्षों को समेटे हुए फिल्म भाग मिल्खा भाग तो आपने देखी ही होगी। तो बच्चों, खेलों की दुनिया में अपनी जानकारी को और आगे बढ़ाते हुए चलिए जाने अपने देश की शान महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम के बारे में। ये मणिपुर राज्य की मूल निवासी हैं। मैरी कॉम जी 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने अपने देश के लिए कांस्य पदक जीता। साथ ही 2010 एवं 2014 के एशियाई खेलों में क्रमशः इन्होंने कांस्य और स्वर्ण पदक हासिल किया। खेलों में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए इनको मैग्निफिशेंट मैरी या प्रतापी मैरी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इनके खेल जीवन के खट्टे मीठे पलों एवं अनुभवों को समेटते हुए फिल्म मैरी कॉम बच्चों आप जरूर देखिएगा। निश्चित ही इस फिल्म से आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। बच्चों, खेल जगत में अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हुए चलिए जाने अपने देश के एक और खेल रत्न के बारे में, शतरंज के माहिर खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर
एवं पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने 5 बार विश्व शतरंज प्रतियोगिता जीती। इन्होंने अपने शानदार खेल के कारण भारत को शतरंज की दुनिया में एक वैश्विक पहचान दी। बच्चों, वर्तमान समय में भी शतरंज की दुनिया के माहिर खिलाड़ियों में इनका नाम लिया जाता है और आज भी ये हमारे देश के लिए कई सारे पदक जीतते ही जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, खेल जगत की यात्रा आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आई होगी। आगे फिर मिलेंगे और जानेंगे अपने देश के कुछ और खेल और खिलाड़ियों के बारे में।